सो हे गाइस, दिस इज कुलदीप एंड यू वॉचिंग यूपीएससी लाइब्रेरी। सो आज के सिलेक्शन हम बात करेंगे एनसीटी के बिल के बारे में, बिकॉज अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया बिल निकाला है, एनसीटी बिल। एक्चुअली ये बिल नया नहीं है, ये 1991 वाला बिल है, उसी में अमेंडमेंट किया है। तो उस अमेंडमेंट के जरिए तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की जो पावर है उसको थोड़ा कम कर दिया गया है। तो इस दिल्ली जब इस बिल के बारे में जब आया तो थोड़ा कंट्रोवर्सी इसमें आया, बिकॉज इससे दिल्ली गवर्नमेंट की जो पावर है वो थोड़ी कम कर दी। तो इसी वजह से जो दिल्ली गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर हैं जो केजरीवाल, उन्होंने चैलेंज किया है इस सेंटर के बिल को, बिकॉज इससे जो दिल्ली गवर्नमेंट की पावर है वो कर्टेल करने में मतलब कम हो रही थी। सो जानिए इस पूरे लेक्चर में इस बिल के बारे में। सो जैसे कि इसमें लिखा हिंदुस्तान टाइम्स का है कि सेंटर मूव्स टू कट पावर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। सो जो एनसीटी जो बिल है उसके बारे में थोड़े इसमें इलेक्शन में जानेंगे। बाकी अगर आपने यूपीएससी लाइव को फॉलो नहीं किया तो यूपीएससी लाइव को आप टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। सो जैसे मैं बताया इशू क्या है, इशू ये है कि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं होम जी किशन रेड्डी, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जिसको एनसीटी बोलते हैं, वो बिल है 2021 वाला वो लाया, उसको अमेंड किया है। सो ये जो बिल था वो लोअर हाउस में आया, सो वहाँ पर इसको बिल को लाया गया। सो इसमें ये है कि इस बिल से ये है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो मीन मतलब वो एलजी जो लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है उसके कंटेंट उनको पावर आ जाएगी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट की। मीन्स अगर दिल्ली गवर्नमेंट कोई भी बिल ला के आती है तो उसको सबसे पहले जो दिल्ली के जो एलजी है उसके सामने ये बिल लानी पड़े, ये बिल पेश करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। अगर उसके बाद ही अगर लेफ्टी गवर्नमेंट चाहेंगे तो उसके बाद वो बिल आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। सो इससे लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट की जो पावर है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। जैसे इसमें लिखा है, सो इट इज़ मैंडेटरी फॉर द सिटी गवर्नमेंट टू सीक द लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ओपिनियन बिफोर एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन। सो जो कोई भी एग्जीक्यूटिव कोई सा भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा तो उसके लिए जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसके लिए एलजी गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये इस वजह से ये कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। सो इसी के खिलाफ जो दिल्ली गवर्नमेंट की चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ये ट्वीट किया है। सो इसमें बोला है कि जो आफ्टर कि जो भी इलेक्शन में हार जीत हुई है तो उसके खिलाफ उसकी वजह से ये बिल लाया है, तो जिससे दिल्ली गवर्नमेंट की जो पावर है वो कम के। सो इसी वजह से उस चीज़ को वो स्ट्रांगली कंडम कर रहे हैं। इसी की वजह से अनदर वॉर फ्रंट स्टार्ट हो गया केजरीवाल और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो इस चीज़ को देखना। सो अगर इसमें और देखा जाए थोड़ा डीपली तो इस बिल के बारे में ये देखना पड़ेगा। देखेंगे तो जो इसमें इस बिल में ये है कि जो गवर्नमेंट है उसमें बताया कि जो गवर्नमेंट है वो मीन्स मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के बारे में बताया। सो जो दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो दिल्ली को लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट की मतलब के लिए मीन है, मतलब प्रायोरिटी उसका ओपिनियन लेना जरूरी है इस बिल के अकॉर्डिंग, ऐसा इसमें बोला है। सो असेंबली शैल नॉट मेक रूल और कमिटी टू कंसीडर डे टू डे इन एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब बिना एलजी की परमिशन के वो कोई भी बिल नहीं ला सकती बिना एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट जो है उनकी परमिशन के बिना। सो बिफोर टेकिंग एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन ओपिनियन ऑफ द एलजी शैल बी ऑब्टेन। सो कोई भी ऐसा एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा तो उसमें एलजी का ऑप्टेन लेना पड़ेगा, एलजी की परमिशन लेनी पड़ेगी और बाय ए जनरल और स्पेशल ऑर्डर। सो एलजी शैल हैव पावर टू रिजर्व फॉर कंसीडरेंस। और एलजी का और इसके अलावा पावर भी कि उस बिल को या उस पावर को उस जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है उसको रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। सो दिल्ली गवर्नमेंट का रिजर्व के राइट्स के अंदर आर्टिकल 239(9) के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टेट लेजिशन जो है जो दिल्ली गवर्नमेंट लेजिशन है उसको मिला कि वह किसी भी मतलब अपने मतलब किसी भी चीज़ पर वो लॉ बना सकते हैं एक्सेप्ट कुछ रिलेटेड टॉपिक्स लाइक पब्लिक ऑर्डर हो गया, पुलिस हो गया, लैंड। इन तीन टॉपिक को छोड़कर दिल्ली गवर्नमेंट किसी भी चीज़ पर वो लॉ बना सकते जो स्टेट और कंकरेंट लिस्ट के अंडर आते हैं। सो इन दो लिस्ट में जो भी टॉपिक आते हैं उन पर दिल्ली गवर्नमेंट लॉ बना सकती है एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ 2018 के अपने जजमेंट में भी क्लियर किया था कि दिल्ली गवर्नमेंट इन सभी पर लॉ बना सकती है एक्सेप्ट इन तीन चीज़ों, पुलिस ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़कर। सो इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के ऑर्डर में अपने जजमेंट बोला कि सुप्रीम कोर्ट बोला कि एलजी शुड वर्क विद एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल लिमिटेड। सो 2018 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एलजी की पावर थोड़ी कम करते हुए जो दिल्ली गवर्नमेंट है उनको
मतलब उनको उनकी पावर थोड़ी इंक्रीज कर देती। सो इस जो बिल आया उसमें दिल्ली गवर्नमेंट की पावर थोड़ी कम हो जाती, इसी वजह से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, इमर्ज हुई है। सो इसके इसी वजह से ये सब चीज़ें चल रही हैं। सो इसमें और देखा जाए, बिल में और देखा जाए तो जो पुराना जो बिल था जो 1991 वाला, तो इसी में जो अमेंडमेंट आया उसी को 2021 वाला बोला। अमेंडमेंट मतलब अमेंडमेंट का मतलब ये समझिए कि उसमें थोड़े जो चेंजेस आते हैं। सो अगर कोई चेंज करना होगा तो उसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज, तो इस चीज़ को याद रखना। सो दिल्ली का जो करंट स्टेटस है वो एक यूनियन टेरेटरी है, ना कि मतलब वो फुल फ्लेज स्टेट नहीं है। सो वो यूनियन टेरेटरी है, मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, तो इस चीज़ को याद रखना। जिसकी एक लेजिस्लेटिव असेंबली इज एन आउटकम ऑफ, और ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो 69 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आई है, जिसको पावर मिली हुई आर्टिकल नंबर 239AA और 239B, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस चीज़ को याद रखना, आर्टिकल नंबर 239AA को स्पेशली ज़्यादा याद रखना और 69 अमेंडमेंट एक्ट इसको भी याद रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो जितने भी प्रैक्टिकल पर्पज हैं, सो इस बिल के अकॉर्डिंग ही सो जो भी आउटलाइन पावर ऑफ द असेंबली, जो असेंबली की जितनी पावर है या जो डिस्क्रिशनरी पावर है जो एलजी इंजॉय करता है, वो सब इस चीज़ के इस बिल के अकॉर्डिंग सब इसमें डिफाइन की गई है, तो इस चीज़ को याद रखना। सो इसके अलावा आर्टिकल 239AA को पढ़ते हैं, बिकॉज इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें मेंशन की हुई हैं। लाइक सो एज पर द 239 पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, जो भी इस तीन टॉपिक हैं दिल्ली में, वो जो इन टॉपिक पर दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो लॉ नहीं बना सकती बिना किसकी परमिशन के, एलजी की परमिशन। इसके अलावा कोई भी टॉपिक पर दिल्ली गवर्नमेंट रूल बना सकती है, ऐसा ये आर्टिकल 239A लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को याद रखना। इसमें और किसान के लिए लिखा है कि जितने भी मैटर आते हैं लाइक स्टेट लिस्ट में हो या कंट्री लिस्ट में, इन सब जो भी इन दो लिस्ट में जो भी मैटर है उन पर दिल्ली गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, बट इन तीन चीज़ पर नहीं, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इस चीज़ को याद रखना। सो इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन, सो अगर उन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस या ओपिनियन कोई क्रिएट होता है, तो एलजी गवर्नर जो है, जिसको एलजी बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो काउंसिल मिनिस्टर या लेफ्टिनेंट गवर्नर उस टॉपिक को या उस मैटर को रेफर कर सकता है किसको, प्रेसिडेंट के लिए उस डिसीजन के। तो इस चीज़ ये पावर भी एलजी के पास दे रखी है और ये इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, तो इस चीज़ को याद रखना। और प्रेजेंट के टाइम में अभी देखा जाए, आपके साथ जो 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, तो इसकी वजह से जो जजमेंट आए उससे जो दिल्ली गवर्नमेंट को थोड़ा और इंक्रीज किया है, उस जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था या जो वर्डिक्ट था, तो उसमें जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो स्टॉप द, तो इसी वजह से तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उन्होंने जो फाइल थी वो सेंड मतलब भेजना बंद कर दिया था एलजी को, बिकॉज उसके जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उससे और ज़्यादा इंक्रीज मिला था दिल्ली गवर्नमेंट को। तो इसी वजह से जो काम हो रहा था या जो भी कुछ फाइल होती थी वो एलजी को भेजना बंद कर दे, एलजी बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी डिसीजन, या कोई भी डिसीजन इम्प्लीमेंट होता तो उसकी जो फाइल थी वो डिसीजन इम्प्लीमेंट होने के बाद जाती थी, तो ऐसा ये था। सो बट द अमेंडमेंट इट इफ क्लियर, और जो अमेंडमेंट था उसमें क्लियर ये लिखा है कि इट इफ क्लियर विल फोर्स द इलेक्टेड गवर्नमेंट। सो अभी जो अमेंडमेंट आया उसमें ये लिखा है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो उसको फोर्स किया जाता है कि टू टेक एलजी एडवाइस। सो जो भी कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा तो उसमें एलजी की एडवाइस लेना मैंडेटरी कर दिया है, तो इस चीज़ को याद रखना। ये पूरे की पूरा ये इशू बना हुआ, ये कंट्रोवर्सी इस बिल में 2021 वाले में, तो इस चीज़ को याद रखना। इसके अलावा अगर हम स्टेट और यूटीज में डिफरेंस देखा जाए, तो ये लक्ष्मीकांत के बुक का कट आउट है, तो उसमें देखेंगे स्टेट और यूटीज़ में क्या डिफरेंस है। पहली बात तो ये कि देयर रिलेशन विद द सेंटर इज फेडरल। स्टेट के बेसिस पे देखा जाता है तो उनका सेंटर के साथ कैसा रिलेशन होता है, फेडरल। बट यूटीज़ में देखा जाए वो एक यूनिटरी है, मतलब यूटीज़ वो एक तरह की सेंटर की ही टेरिटरी होगी, जिसको नेशनल कैपिटल रीजन बोला। बिकॉज यूनियन टेरिटरी मतलब वो यूनियन की ही टेरिटरी है, तो इसी वजह से उसका जो रिलेशनशिप है कैसा है, यूनिटरी है। और दूसरा देखा जाए स्टेट्स के बेसिस पर, दे शेयर ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद सेंटर, उनकी जो पावर है सेंटर के डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो यूटीज के पर्पस में देखा जाए, दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंटर, और जो यूटीज में होता है वो डायरेक्टली कंट्रोल होता है और एडमिशन होता है किसके लिए, सेंटर की वजह से, तो ये डिफरेंस है। और इसके अलावा स्टेट में ये ऑटोनॉमी होती है, बट जो यूटीज में है वो ऑटोनॉमी पूरी नहीं होती। चौथा कि देर इज ए यूनिफॉर्मिटी इन द देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, मतलब स्टेट में यूनिफॉर्मिटी होती है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में, बट ऐसा चीज़ यूटीज में देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा देयर एग्जीक्यूटिव हेड इज नोन एज गवर्नमेंट, मतलब
ये कि स्टेट में जो एग्जीक्यूटिव हेड है उसको क्या बोलते हैं, गवर्नर। और वही यूनियन टेरिटरीज में देखा वो कौन होते हैं, एलजी, जिसको क्या बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर या लूटेंट गवर्नर या चीफ, और उसके बाद चीफ कमिश्नर, कहीं कहीं चीफ कमिश्नर भी होते हैं। देन सिक्स में इसमें देखा जाए, ए गवर्नर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, और जो गवर्नर होता है स्टेट में वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, और जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो यूटीज में, वो एक एजेंट होता है प्रेसिडेंट का। ये थोड़ा डिफरेंस है लैंग्वेज में, तो इस चीज़ को याद रखना। सेवन, जो पार्लियामेंट है वो कैन नॉट मेक द लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट के बेसिस, स्टेट के उसमें ये दे रखा है कि पार्लियामेंट जो है, जो स्टेट लिस्ट में जितने भी मैटर आते हैं उस पर लॉ नहीं बना सकती स्टेट में। बट यूटीज में देखा जाए, यूटीज में पार्लियामेंट को पावर होती है कि वो किसी भी सब्जेक्ट पर, या उन जो तीन सब्जेक्ट जो होते हैं स्टेट वाला, लाइक पुलिस हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, उसमें वो लॉ बना सकती है यूटीज में। तो ये डिफरेंस होते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, तो इस चीज़ को याद रखना। इससे और इसके बाद हम देख लें दिल्ली की बॉर्डर। सो दिल्ली की बॉर्डर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ मतलब मिलती है, तो इस चीज़ को याद रखना। सिर्फ दो स्टेट के साथ ही दिल्ली अपना बॉर्डर शेयर करता है, और दिल्ली में सिर्फ यमुना नदी ही होके जाती है, तो इस चीज़ को भी याद रखना। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने यूपीएससी लाइब्रेरी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूपीएससी लाइब्रेरी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट्स। धन्यवाद।